जयपुर में एसएमएस अस्पताल में अचानक से आग लग गई। ऑन्कोलॉजी वार्ड के पीछे लॉन्ड्री और दवाइयों के स्टोर में आग लगी। शॉर्ट सर्किट के चलते ये आग लगी और एक दर्जन दमकल की गाड़ियों ने कड़ी मशक्कत के बाद जैसे तैसे आग पर काबू पाया और साथ ही एहतियातन के तौर पर मरीजों को दूसरे वार्ड में शिफ्ट किया गया। एसएमएस अस्पताल में अचानक से आग लग गई, जिससे मौजूदा लोगों में अफरा तफरी का माहौल हो गया। वहीं समय रहते दमकल की गाड़ियों ने कड़ी मशक्कत कर आग पर काबू पा लिया और साथ ही अस्पताल प्रशासन ने एहतियातन के तौर पर मरीजों को दूसरे वार्ड में शिफ्ट किया। अस्पताल के ऑन्कोलॉजी वार्ड के पीछे लॉन्ड्री और दवाइयों के स्टोर में आग लगी और शॉर्ट सर्किट आग लगने की वजह बताई गई। वहीं करीब एक दर्जन दमकलों की गाड़ियों ने पहुंचकर आग पर समय रहते काबू पा लिया और अस्पताल प्रशासन ने मरीजों को दूसरे वार्ड में शिफ्ट किया। और इसी खबर पर हमें अपडेट करने के लिए एवन संवाददाता यादवेंद्र हमारे साथ लाइन पे मौजूद है। यादवेंद्र, राजधानी के सबसे बड़े अस्पताल एसएमएस अस्पताल में अचानक से आग लग गई, क्या माहौल था और किस तरह से आग पर काबू पाया गया और क्या कुछ नुकसान की संभावना है? देखिए ज्योति, मैं बता दूं, ये सुबह अल सुबह की घटना है, करीब 4 बजे की घटना है। जो ये एसएमएस अस्पताल का जो ग्राउंड फ्लोर है, जहां पर लाइफलाइन है, जहां पर का जो स्टोर बना हुआ है जिसमें दवाइयां रखी देती है, इस पूरे स्टोर में और इसके अलावा जो लॉन्ड्री है उसमें यहाँ पर आग लगी थी। सबसे पहले लॉन्ड्री के आग लगी थी, लेकिन देखते देखते इस आग ने जो लाइफलाइन जो स्टोर है, जिसमें दवाइयों को जो स्टोर कहा जाता है, उसको अपनी चपेट में ले लिया। देखते ही देखते आग ने भीषण रूप ले लिया। उसके बाद जो तीसरी मंजिल तक है जो आग है वो पहुंच गई थी, लेकिन जब यहाँ पर सूचना मिली तो उसके बाद मोती डूंगरी थाना पुलिस यहाँ मौके पहुंची। इसके अलावा जो एक दर्जन से ज्यादा जो दमकल की जो गाड़ियां थी वो भी मौके पर पहुंची। करीब यहाँ पर 3 घंटे की मशक्कत के बाद करीब 6:30 बजे तक जाकर के यहाँ पर जो दमकल की जो कर्मी है उन्होंने यहाँ पर आग पर काबू पा लिया। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि जब आग लगी तो पूरे अस्पताल के अंदर अफरा तफरी मच गई। ऑन्कोलॉजी जो वार्ड है वहां के, उसके आसपास के जो वार्ड था उसको यहाँ से खाली कराया गया और अफरा तफरी का जो माहौल था वो इसमें पूरे अस्पताल में बन गया था। उसके बाद तमाम जो मरीज थे उनको दूसरे वार्डों में शिफ्ट किया गया। लेकिन ज्योति, मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर जब आग लगी थी तो उसका जो धुआं था कई वार्डों के अंदर चला गया, जिसके चलते यहाँ पर जो एक वृद्ध महिला थी उसकी यहाँ पर दम घुटने से उसकी मौत हो गई है। लाल जो प्रशासन है पूरे मामले को लेकर के यहाँ पर जांच पड़ताल कर रहा है। इसके अलावा जो एसएमएस जो अस्पताल के जो प्रशासन है वो भी इस पूरे मामले को लेकर के यहाँ पर कमेटी बिठाई है। चिकित्सा जो मंत्री है यहाँ पर रघु शर्मा जी, वो भी मौके पे पहुंचे और पूरे मामले का यहाँ पर जायजा लिया और दौरा किया कि कहाँ आग लगी है, आग का किस वजह से लगी है। लेकिन प्रारंभिक जो जांच में सामने आया है शॉर्ट सर्किट की वजह से इस आग का पूरा कारण बताया जा रहा है। लेकिन एक महिला की मौत होना ये अपने आप में एक बड़ा सवाल खड़ा कर रहा है। साथ में प्रशासन की जो पूरी कार्यप्रणाली है उस पर भी एक बड़ा सवाली निशान लगा रहा है यहाँ पर। लेकिन फिलहाल पूरे मामले को लेकर यहाँ पर जांच पड़ताल शुरू हो गई है। चिकित्सा जो मंत्री है उन्होंने भी जब यहाँ पर दौरा किया, जब आग वाली जगह का यहाँ पर दौरा किया तो उन्होंने जो पूरे अस्पताल प्रशासन है उसको यहाँ पर काफी लताड़ लगाई। जो सुपरिटेंडेंट है उस पर भी यहाँ पर नाराजगी जताते हुए पूरे मामले का यहाँ पर जल्द से जल्द रिपोर्ट मांगी है। तमाम पहलुओं को लेकर के यहाँ पर जांच पड़ताल की जा रही है। यादवेंद्र, अस्पताल प्रशासन पर सवाल या निशान खड़ा होना, उनकी व्यवस्थाओं पर सवाल खड़े होने लाजमी है, क्योंकि अगर समय रहते मान लीजिए दमकल की गाड़ियां नहीं पहुंचती, जैसे आपने बताया कि इस पूरे घटनाक्रम से एक महिला की मौत हो गई, लेकिन क्या मौके पर इतने बड़े अस्पताल में, राजधानी का सबसे बड़ा अस्पताल है चूंकि एसएमएस अस्पताल, क्या वहां पे अग्निशमन उपकरण मौजूद नहीं थे कि समय रहते उनके चलते आग पर काबू पाया जा सकता? बिल्कुल, यही एक सवाल है और यही एक जांच का विषय है। लाल इस पूरे मामले को लेकर के ज्योति, मैं बता दूं कि जो चिकित्सा मंत्री है उन्होंने जो मिशन निषेध है एनएचएम के जो निदेशक है उसको यहाँ पर 3 कमेटी, जो उच्च स्तरीय जो कमेटी है वो बनाने के निर्देश किए हैं। जो 3 उच्च स्तरीय जो कमेटी है उससे यहाँ पर 7 दिन में पूरी रिपोर्ट मांगी गई है और पूरी रिपोर्ट के बाद ही पता चलेगा कि यहाँ पर किसकी लापरवाही। लेकिन यहाँ पर जो मोती डूंगरी थाने हैं यहाँ पर मंत्री ने यहाँ पर मामला दर्ज कराने के आदेश जारी किए हैं, किस किस की इसमें लापरवाही रही है,
किस किस की नहीं रही है, इन सब चीजों को लेकर के जांच पड़ताल की जाएगी। लेकिन एक महिला की मौत होना इतने बड़े अस्पताल के अंदर, वो भी आग की वजह से और दम घुट जाने की वजह से, ये अपने आप में एक बड़ा सवाल खड़ा कर रहा है। लाल जो मंत्री हैं रघु शर्मा, उन्होंने यहाँ पर जब पूरे अस्पताल का यहाँ पर दौरा किया तो यहाँ पर कहीं ना कहीं जो खामियां हैं वो पाई गई थी। इसके अलावा जो फायर इंस्ट्रूमेंटल लगाए गए थे, फायर सेफ्टी सिस्टम, वो भी यहाँ पर नाकाम साबित हुए थे, फेल्ड हो गए थे। उन सब चीजों को लेकर के भी यहाँ पर जांच पड़ताल की जाएगी। एक कमेटी गठित कर दी गई है, यहाँ पर 3 सदस्यीय जो कमेटी है उससे यहाँ पर 7 दिन के अंदर पूरी रिपोर्ट मांगी गई है और इस रिपोर्ट के बाद पता चलेगा कौन कौन इसके अंदर दोषी है, कौन कौन नहीं है। लाल इस पूरे मामले को लेकर के जो मंत्री हैं, चिकित्सा मंत्री, पूरे गंभीर हैं और इस पूरे मामले को लेकर के यहाँ पर जांच पड़ताल के जो आदेश हैं वो यहाँ पर जारी किए हैं। जी यादवेंद्र, तमाम जानकारी देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। तो देखा आपने किस तरह से एसएमएस अस्पताल पूरे हादसे के बाद अब सचेत होता नजर आया, कमेटी गठित की कि आखिर दोषी कौन है। लेकिन आपको बता दूं कि इतने बड़े अस्पताल में अग्निशमन उपकरण तक मौजूद नहीं थे, जिसके चलते समय रहते आग पर काबू नहीं पाया जा सका। और इस पूरे मामले पर चिकित्सा मंत्री रघु शर्मा ने अस्पताल का जायजा लिया कि क्या कुछ हालात हैं।